अब हम नेक्स्ट देखेंगे नेक प्रेस ट्रीटमेंट। नेक प्रेस का मतलब ये है कि नेक हम सर्वाइकल के मनकों को प्रेस करेंगे और खास तौर से T1 T2 तक के मनकों को धीरे धीरे करके स्टेप करके हम आगे बढ़ेंगे और गर्दन की मूवमेंट कराते रहेंगे, यानी कि स्पाइन के दोनों तरफ हम प्रेशर देंगे और गर्दन को ऊपर की तरफ उठवाएंगे। फर्स्ट सिस्टम में दो स्टेप में कंप्लीट होगा, दोनों स्टेप आप ध्यान से देखना। जब गर्दन बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, लोगों की गर्दन मूवमेंट नहीं कर रही है, ऊपर नीचे नहीं हो रही, उस समय पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी कि गर्दन जब लॉक हो जाए तो उस समय पर इसका इस्तेमाल हम करते हैं। पेशेंट को कमर सीधी कर दीजिए, दोनों हाथ बाजू में छोड़ दीजिए और यहाँ पर जो हमारा T1 T2 का एरिया है यहाँ पर हमने दोनों अंगूठे से प्रेशर देना है और पेशेंट को ऊपर की तरफ देखने के लिए बोलना है। आराम से पेशेंट ऊपर की तरफ देखेगा, फिर सामने आ जाएंगे, सामने देखिए और फिर यहाँ से आप ऊपर की तरफ चले जाएंगे, फिर ऊपर की तरफ मोड़िए, आप हाथों की उंगलियों से सपोर्ट लेंगे और फिर सामने की तरफ देखना है, वापस फिर और ऊपर आ जाएंगे, वापस सामने, फिर और ऊपर आ जाएंगे, वापस सामने, फिर और ऊपर आ जाएंगे। और ये तब तक जाना है जब तक इनकी नेक होल्ड नहीं होती, यानी कि वापस आ जाएंगे, यानी कि गर्दन जब तक ऊपर जा रही है ये इनको करते रहना है और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये गर्दन ऊपर नहीं ले पाएंगे तो उस समय पर इनको यहाँ पर लास्ट पॉइंट होगा, यानी कि ये स्कल बोन को हमने प्रेस करना है। ठीक है, वापस ऊपर है ना। अब देखिए यहाँ पर ये लॉक हो गई गर्दन है ना अंगूठे से, तो अब ये यहाँ पर लॉक हो गई, यानी कि जो इनकी खोपड़ी की हड्डी है वहाँ पर हमने प्रेस किया है, तो यहाँ तक हमने इनको लेकर जाना है। ठीक है, ऊपर ये देखिए, अब गर्दन ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि हमने अंगूठे से इनको रोक लिया है, पर यहाँ तक हम लेकर जाएंगे है ना, ये यहाँ तक लेकर जाएंगे। अब इसके बाद में ये ऊपर की एक्सरसाइज होने के बाद में फिर दोबारा से एक बार शुरुआत करेंगे, फिर हम गर्दन को दाएं और बाएं देखेंगे। पहले लेफ्ट देखिए, पूरा लेफ्ट देखिए, हाँ अब राइट देखिए, क्योंकि गर्दन की मूवमेंट में ही तो पेन है, यानी कि उनको गर्दन ही तो नहीं मुड़ रही तभी हम इस नेक प्रेस को दे रहे हैं। अब सामने देखना है, फिर और ऊपर, लेफ्ट पहले लेफ्ट फिर राइट, पहले लेफ्ट जाएंगे फिर राइट जाएंगे है ना, जितना मैक्सिमम ये लेफ्ट और राइट जा सकते हैं ये अपनी इच्छा के अनुसार जाएंगे, फिर सामने आ जाएंगे, फिर ऊपर दाएं और बाएं, यानी कि पहले लेफ्ट जाएंगे फिर राइट जाएंगे और ऐसे ही धीरे धीरे कर कर आप ऊपर की तरफ जाएंगे, आप लेफ्ट जाइए और राइट है ना ये। और एक टाइम ऐसा आएगा जब हम पूरी स्कल के जहाँ स्कल ख़त्म होगी वहीं पर हम देंगे तो ये भी गर्दन नहीं घूमेगी, आप लेफ्ट मोड़िए है ना राइट, हाँ झटके से नहीं आराम से मोड़ना है पेशेंट को है ना, लेफ्ट अब राइट है ना ये। तो यहाँ पर हम इस तरीके से अब सामने देखना है ना? लेफ्ट तो लेफ्ट देखना है, तो लेफ्ट देखते समय पर लेफ्ट देखना है जितना ये मैक्सिमम जा सकते हैं, राइट राइट जाने पर देखना है ना। तो आराम से आपने यहाँ पर आकर लॉक करना है, यानी कि यहाँ जब हम पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर लॉक हो जाएगी और गर्दन यहाँ से मूवमेंट नहीं होगी, तो यानी कि जहाँ हमारी स्कल है यानी कि ये खोपड़ी की हड्डी है वहाँ जाकर हमें इसे लॉक कर ख़त्म करना है। तो यहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट करते हुए हम ऊपर की तरफ, ये स्पाइन को ऊपर नहीं करना, मतलब ये प्रेशर नहीं देना, स्पाइन को प्रेस नहीं करना, स्पाइन के दोनों तरफ करना है, इससे नहीं तो इनको दर्द आ सकता है, गर्दन में दर्द आ सकता है। तो हमने बाजू से, क्योंकि हमें सर्कुलेशन बाजू से आएगा तो बाजू से ही हमने प्रेशर देखना है इस तरीके से है ना। तो ये बाजू से करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और इस तरीके से हम नेक प्रेस ट्रीटमेंट दो स्टेप में कंप्लीट करेंगे, एक ऊपर की तरफ देखना है, एक लेफ्ट और राइट देखना है। तो इस तरीके से ये हमारी गर्दन को वापस मूवमेंट लेकर आ जाएंगे, जिनकी गर्दन स्टिफ हो गई है तो उनके लिए हम देने का काम करेंगे।